नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि JNU यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको जो नॉन टीचिंग पोस्ट की कुछ वैकेंसी है, जिसको जिन बच्चों को टाइपिंग आती होगी उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। क्योंकि रिसेंट में देखा जाए कि पिछले से तो देखो, अभी KVS में भी नॉन टीचिंग में आई जिसमें टाइपिंग मांगा था आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसको हम लोग दूसरे नाम से JSA के नाम से जानते हैं। अब इसी यूनिवर्सिटी में भी आपके एक पोस्ट आई है जिसका नाम है आपका जूनियर असिस्टेंट के नाम से है। इसमें भी सबसे ज़्यादा पोस्ट, अगर वैसे तो कई पोस्ट हैं आपके जो नॉन टीचिंग है, जो जैसे क्वालिफिकेशन रखता होगा वैसे वैसे वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसका एग्ज़ाम भी आपका NTA ही कराएगी, ये भी ध्यान रखो। और जैसे क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपके KVS में 2 से 2.5 महीने मिले थे, वैसे ही आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने में आपका इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिनको भी इस जॉब को देना है, इस जॉब को पाना है, जूनियर असिस्टेंट वाला जिनको टाइपिंग आती हो, किसी कारणवश पिछले कोई भी जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए हो, तो वो इसमें एक बार अपना ट्राई कर सकते हैं। सिंगल टाइपिंग मांगा है। और जैसे आपका JSA की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और आसान है, क्योंकि हूबहू वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए करके एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से पोस्ट हैं, किसके लिए क्या अर्हता चाहिए और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और टीम जो है परीक्षा प्लस आपको क्या मदद कर सकती है इस एग्जाम के लिए, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, टाइपिंग स्पीड क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट हम लोग देख लेते हैं कि जो ये देखो आप लोग जाना 20 तारीख का ये एडवर्टीजमेंट है ऑलमोस्ट, और एक महीना 10 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। आप लोग आराम से, फॉर्म की जो रेट है वो थोड़ा हाई है, तो जो भी एक सिंगल एग्जाम जैसे मैं कहूं अगर JSA की तैयारी कर रहे हो तो इसको भी फिल कर दो, कि ऑलमोस्ट आपका सेम पैटर्न है। थोड़ा सा आपको इधर उधर डिफरेंसेस मिल सकते हैं लेकिन वही पैटर्न आपको मिलेगा। तो देखो यहां पर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 388 पोस्ट हैं, जिसमें से 100+ पोस्ट जो आपका सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का है, बाकी में छोटे छोटे आपके पोस्ट दिए गए हैं। तो देखो टोटल पोस्ट कितनी आई है इसमें नॉन टीचिंग में, ये आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें आपका पोस्टिंग मिलेगा। दिल्ली में आपको जिनको जिनको दिल्ली में काम करना होगा वो इस पोस्ट को भर सकते हैं, दिल्ली के अलावा और कहीं आपको काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार का पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है, सीनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट है। आगे देखो जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पर फोकस आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए आया, क्योंकि बाकी के लिए तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए और अलग से अर्हता चाहिए, लेकिन जूनियर असिस्टेंट बाकी जो लोग आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सेम वही अर्हता आपको यहाँ पर भी चाहिए, सेम वही क्वालिफिकेशन, सेम वही सिलेबस, वही पैटर्न आपको देना है। तो 106 पोस्ट है, कम नहीं है, और दिल्ली की जॉब है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिनको आगे कंटिन्यू तैयारी रखना, दिल्ली की जॉब पाना चाहते हैं तो ये आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद MTS के 79 पोस्ट हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी के 1 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट है, रिसर्च ऑफिसर, एडिटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सेमी प्रोफेशनल कुक के, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी में जो जो स्टाफ चाहिए उसके पूरे रिक्रूटमेंट है आपका यहाँ पर। आप जैसे आपके एलिजिबिलिटी होगी वैसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जूनियर टेक्नीशियन, स्टैटिकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, एक एक दो दो पोस्ट करके है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने कहा जूनियर असिस्टेंट का है। सबके यहां पर दिए गए हैं कि क्या अर्हता चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उसको देख लेते हैं। कुछ पोस्टों को मैं बता दूंगा, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार है, मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क, इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इन द फॉलो, जहां ग्रेडिंग सिस्टम होगा उसके 55 के इक्विवेलेंट में आपका ग्रेड चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर, पे लेवल 10 या उसके ऊपर आपकी सैलरी रही हो, ठीक है। तो वह आप ये सब देख लीजिएगा असिस्टेंट के क्या है क्वालिफिकेशन। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा यहां पर जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है उसको। जूनियर असिस्टेंट जो है आपका पोस्ट 106 पोस्ट आपका है ऑलमोस्ट, बहुत ही बेहतरीन है, आपका दिल्ली का जॉब है। बैचलर डिग्री और कुछ नहीं यहां पर, यह ध्यान रखो 10+2 नहीं मांगा है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। तो ग्रेजुएट है तो ऑलमोस्ट इसकी जो सैलरी बनेगी ना आपको 40 के अप्रोक्स में पड़ेगी, 40K के अप्रोक्स में बनेगी,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी में जहाँ 10+2 मांगते हैं वहाँ 27 के 30 के अप्रॉक्स बनता है, लेकिन जहाँ ग्रेजुएशन होता है जूनियर असिस्टेंट की सैलरी 40 के बनती, भलाई मिलती इन हैंड कम हुआ आपको। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यहां पर देखो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, ठीक, 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग, मतलब या तो इंग्लिश करो या तो हिंदी करो, कोई एक करना है, कंपलसरी दोनों नहीं है, क्योंकि जब भी सेंट्रल की वैकेंसियां होती हैं वहां पर एक ही आपको टाइपिंग मांगता है। इंग्लिश में सहज हो तो 35 वर्ड चाहिए, हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो 30 वर्ड, और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ऑपरेट करने आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर एमटीएस का दिया है कि 10th पास होता है, तो वो एमटीएस का 10th पास ही है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग यहां से देख लीजिएगा, जो भी आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी निकली है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ चलो, यहां पे 1500 रुपया फॉर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी और सी का 1000 रुपया है, ए वालों का 1500 से स्टार्टिंग है। रिलैक्सेशन आपका वही है जैसा रिलैक्सेशन आपको मिलता है, एज रिलैक्सेशन वही है, एससी एसटी 5 साल है, ओबीसी आपका 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी 10 साल का है, 13 साल 15 साल वही आपका रिलैक्सेशन है। आपका जो सर्टिफिकेशन होगा उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि कब का आपका ओबीसी सर्टिफिकेशन या एससी एसटी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर एक बार हम लोग आ जाते हैं कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा। यहां पर दिया गया है कि आपका सर्टिफिकेशन कैसा चाहिए, हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं और एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, किसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। हाँ, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो पेपर, दो पेपर होंगे, यहां पर साफ साफ बोला गया है नॉन टीचिंग के लिए द फॉलोइंग शैल बी स्कीम एग्जामिनेशन, रिटेन टेस्ट आपका होगा पेपर वन और पेपर टू, और स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, एंड इट्स सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टू द नॉन टीचिंग पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, यहां पर पेपर वन पेपर टू स्किल टेस्ट जिसके लिए जरूरी है, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब कुछ होगा जिसमें जैसा जरूरत होगा। तो पेपर वन एमसीक्यू टाइप होगा, सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होगा, जो भी आपके जितने भी किसी के लिए आप एलिजिबल रहो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करो, चाहे जूनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एमटीएस, कोई भी पोस्ट है आपका, पेपर वन सबके लिए है। और पेपर वन में आपका जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स एसएससी वाले टाइप का है 60 मार्क्स का, मैथ रीजनिंग आपका अच्छा खासा 35 क्वेश्चन है 70 मार्क्स का, मैथ आपका 35 क्वेश्चन है 70 मार्क्स का, और यहां पर देखो ठीक है, उसके बाद से लैंग्वेज एक और सहूलियत दिया गया, कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत पड़ती है, ठीक है, हिंदी में दिक्कत पड़ती है, तो यहां पर आप लैंग्वेज में टेस्ट ऑफ लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ले सकते हो, कोई एक लैंग्वेज को लैंग्वेज का पेपर आप देना है आपको, चाहे वो हिंदी का देना है चाहे इंग्लिश का देना है, ठीक है, तो वो है, कोई इंग्लिश कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए, आप हिंदी आपकी अच्छी है तो आप यहां हिंदी, तो बहुत ही अच्छा मौका है, जो उनका हिंदी बैकग्राउंड है उनके लिए भी और इंग्लिश वाले के लिए तो है ही है मौका, और टाइपिंग आती हो जिसको हिंदी की और इंग्लिश से डरते हो तो यहां पर हिंदी को, इंग्लिश को छोड़ के हिंदी वाला चूज करके पेपर दे सकते हैं, 30 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का आएगा। और कंप्यूटर सब में जरूरी है, कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस भी आपको यहां पर नीचे दिया गया है कि क्या आपका सिलेबस होगा, तो जनरल अवेयरनेस में वही आपका बोला गया, कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, एनवायरमेंट, रेलिवेंस इन द सोसाइटी, द क्वेश्चन आल्सो डिजाइन फॉर टेस्ट ऑफ नॉलेज, करेंट इवेंट होना चाहिए, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितना दिया वहां से क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग में आपका वही है, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एनालिसिस, स्पेस डिफरेंसेस, ठीक है, वो सब कुछ आपका है, वर्बल, नॉन वर्बल, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज दिया गया है, तो वो ऑलमोस्ट आपका एसएससी में जो उतनी रीजनिंग आपकी आती है ना एसएससी में, ऑलमोस्ट वही रीजनिंग आपको पूछा जाएगा।
मैथ्स में देखो एलसीएम एचसीएफ रेशियो प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एवरेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मेंसुरेशन टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस टेबल ग्राफ। तो यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं वही वाला सेम एसएससी वाला मैथ्स भी आपको यहां पर दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी के लिए यहां पर देखो क्या दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज इट इज टेस्टिंग द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, वोकेबुलरी से क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से रहेगा, करेक्ट यूजेस से रहेगा कि कैसे करेक्ट यूज कर सकते हैं, वही चीज है कि विलोम पर्यायवाची यहां पर ठीक है, और क्या क्या ग्रामर से आपका संज्ञा सर्वनाम इन सबसे प्रश्न आपके रहेंगे इसमें। अगर इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश के प्रोस्पेक्ट में रहेगा, हिंदी चूज करते हो तो हिंदी के अकॉर्डिंग रहेंगी चीजें। अम्मो जैसे एमटीएस में होता है ठीक है, उसमें एसएससी जीडी वाले में होता है वैसे ही। कंप्यूटर नॉलेज में देखो कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपसे उठाएगा, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से आएगा, मतलब जनरेशन बेसिक एप्लीकेशन आएगा कंप्यूटर का। कंपोनेंट्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनेट सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, ये आपका एक जनरल जहां कंप्यूटर अवेयरनेस पूछता है किसी भी में, वो सब कुछ आपका पेपर वन में। पेपर वन ऑलमोस्ट आपका सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी किया है, एक तरह से कंप्यूटर का एक पोर्शन जो किसी भी एग्जाम में आना चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस, वही सिलेबस है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया गया है। बाकी के लिए आपके जिन पोस्टों के लिए देखो पेपर टू एमसीक्यू होगा, ये भी एमसीक्यू मॉड्यूल होगा, लेकिन किसके किसके लिए चाहिए, या डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जूनियर असिस्टेंट के लिए, याद रखना मेरी बात को, जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ पेपर वन देना है, उसके लिए आपको पेपर टू नहीं देना है, इसके लिए सिर्फ पेपर वन देना है और स्किल टेस्ट देना है। यहां पर आपका देखो उसके लिए पेपर टू नहीं है, स्किल टेस्ट फॉर फॉलोइंग पोस्ट, और वो क्वालिफाइंग होगा, कैसा होगा स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, जूनियर असिस्टेंट स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, 35 वर्ड इंग्लिश में देना है, 30 वर्ड का हिंदी में होना चाहिए, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की कर रहे हैं, वो इन इस जो यूनिवर्सिटी का पोस्ट आया उसमें नॉन टीचिंग में आप डाल सकते हो। बाकी इसकी जो भी डिटेलिंग होगी वो सब कुछ यहां पर, एक चीज और बता दिया गया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर वन एंड पेपर टू सेल बी एज फॉलो, यहां पर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पर क्या दिया गया है। हाँ, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट फॉर ग्रुप ए, ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो ग्रुप ए के जो है 100 मार्क्स का होगा ठीक है, ग्रुप सी और डी वालों के लिए नहीं होगा। और क्या बोला, द क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, एक्सेप्ट पार्ट फोर्थ ऑफ पेपर फर्स्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी ठीक है, तो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी होगा तो हिंदी में होगा। एंड द एप्लीकेंट विल हैव ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड वेन एवर एप्लीकेबल, जो लोग एप्लीकेबल होंगे वो फर्स्ट और सेकेंड में सेल बी एज फॉलो, दोनों मिला के आपका क्या होना चाहिए 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल के लिए AWS और OBC लिए 35% SC ST के लिए 35% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 गुना आपके नंबर ऑफ वैकेंसी के बुलाए जाएंगे, लोग 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बाकी जो चीजें हैं आपका वो आप देख लीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, और भी जो इससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन होगी मैं तोड़ तोड़ के आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं जरूर आपको उपलब्ध कराऊंगा, कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के लास्ट में। और जो बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं ठीक है, इसके जुड़ना चाहते हैं, तो टीम परीक्षा प्लस आपको यहां पर एक मदद करेगी, कि वो मदद क्या है कि आप लोग जितने भी लोग अगर इसके खासकर जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जूनियर असिस्टेंट मतलब पेपर वन का जो बैच है वो हमारे यहां चलेगा, ये पेपर वन जो है आपके सभी में रहेगा, तो पेपर वन का बैच चलेगा। इसकी जो डिटेल आपको अगर देखना है कि इसकी डिटेल क्या हो सकती है, ये बैच आपका VOD के माध्यम से रहेगा और लाइव रहेगा, कुछ क्लासेस आपकी VOD रहेंगी, कुछ क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। इस बैच को परचेस करने के लिए, चाहे इसके बारे में डिटेल लेने के लिए, आप परीक्षा प्लस ऐप पर जा सकते हैं, परीक्षा प्लस ऐप से इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, और कोई डिटेल लेना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे
6007 या इस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, इस पर कॉल कर लीजिएगा तो आपको इसका पूरा डिटेल दे दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट में कि बैच का प्रारूप, क्योंकि आपका वीओडी और लाइव इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये आपको विद इन 1.5 मंथ में आपका ये एग्जाम हो जाएगा, तो आपको बस जो टारगेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि एनटीए करा रहा है इस एग्जाम को, तो जैसे हाईकोर्ट का एग्जाम जल्दी हो गया था वैसे ही इसका भी एग्जाम जल्दी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, पूरी पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।